हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ मेज कलर्ड मेज प्लांट में के अंदर कलर्ड एंडोस्पर्म जो है उसका जीनोटाइप दिया है कैपिटल सी जो डोमिनेंट है। ओके, और दूसरा ओवर कलरलेस स्मॉल सी, मतलब कैपिटल सी जो है कलर्ड है डोमिनेंट है, स्मॉल सी जो है कलरलेस रेशियो है। उसके साथ क्रॉस किया हमने फुल एंडोस्पर्म सीड दैट इज कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर श्रंकन स्मॉल आर। ओके, मतलब ये डायहाइब्रिड क्रॉस किया अपन। ओके, तो हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन वॉज टेस्टोस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्टोस करना है प्रोड्यूस 4 फिनोटाइप्स ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज। मतलब अपन जो इंडिविजुअल ऑप्टेन कर रहे हैं वो F2 जनरेशन वाले नहीं है, वो जो इंडिविजुअल ऑप्टेन अपन कर रहे हैं वो क्या है, टेस्टोस वाले इंडिविजुअल अपन ऑप्टेन कर रहे हैं। ओके, टॉस प्रोड्यूस बाय 4 फिनोटाइप। तो टेस्टोस के अंदर अपन 4 फिनोटाइप अपने को ऑप्टेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 फिनोटाइप कौन कौन से हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए आप। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो 4 फिनोटाइप्स है उसमें से, यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा हूँ मैं, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको। ओके, टेस्टोस के अंदर जो फिनोटाइप मिला है तो फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस डाटा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन एलीलिक जीन्स। नॉन एलीलिक जीन का मतलब होता है, नॉन एलीलिक जीन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर जो डिस्टेंस है या रिकॉम्बिनेंट की जो फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में आपको मैं बता रहा हूँ, सपोज हमने क्या किया, पेरेंट का क्रॉस किया, और पेरेंट का क्रॉस करने के बाद पेरेंट क्या लिया मैंने, मैंने पेरेंट लिया था, क्या लिया था, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल आर इंटू स्मॉल सी स्मॉल आर। तो मुझे क्या मिला इसमें से, मुझे मिला F1 क्या मिला, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मैंने F1 जो मिला उससे क्या किया, फिर बाद में F1 मिलने के बाद मैंने किया टेस्ट क्रॉस। तो आपको पता है टेस्ट क्रॉस फार्मूला क्या है, F1 इंटू रेशियो पेरेंट। तो F1 क्या है, कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू रेशियो पेरेंट क्या था, स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये टेस्ट क्रॉस का फार्मूला मैंने लिख दिया है, और टेस्ट क्रॉस के फार्मूला के अंदर मैंने वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पे आप देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है, ओके, यहाँ पे डायग्राम में देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देखो डायग्राम में आप देखोगे, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है कितना है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ओके, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़, मैंने पहले बोला था दैट इज़ कलर्ड फुल है, कितने थे कलर्ड फुल, 44% थे। ओके, और फिर जो कलरलेस श्रंकन थे, ओके, वो कितने थे, 36% थे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको, ये थे डोमिनेंट कैरेक्टर और ये थे रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों का जो परसेंटेज आ रहा है, ओके, दोनों का परसेंटेज हम निकालेंगे, ओके, अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, 80% आता है। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आता है 80% आएगा। अभी देखते हैं ऑस्प्रिंग्स, ओके, ऑस्प्रिंग क्या मिलते हैं, ऑस्प्रिंग का परसेंटेज क्या मिलता है हम देखेंगे, या रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज, ओके, क्या देखेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट ऑस्प्रिंग्स, रिकॉम्बिनेंट ऑस्प्रिंग का परसेंटेज हम दिखने वाले हैं। तो रिकॉम्बिनेंट ऑस्प्रिंग क्या है फिर, दैट इज पहला है कलर्ड श्रंकन कितने थे, कलर्ड श्रंकन थे 8%। ओके, एंड दूसरा था दैट इज कलरलेस फुल कितना था, 12% था। तो आप यहाँ पे देखोगे
इन दोनों की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 20% आ रही है। दैट इज़ मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कितने मिल रहे, फिर 20% मिल रहे हैं, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। तो आपने को क्वेश्चन में पूछा है, क्या क्या पूछा है आपने को क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द नॉन एलील जीन्स, मतलब रिकॉम्बिनेंट का जो डिस्टेंस है आपको पूछा है। ओके, रिकॉम्बिनेंट का डिस्टेंस आपको पूछा गया है, और इसलिए ये यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, दैट इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटू 100 है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने थे, 20 थे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे, 100 थे, इंटू मैंने 100 किया तो फिर क्या आ रहा है, दैट इज़ आंसर आ रहा है 20%। तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू एलीलिक जीन्स को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड, ध्यान से याद रखो, डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैप यूनिट भी बोलते हैं, मैप यूनिट भी बोलते हैं, ऑब्लिक उसको अपन सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं, सेंटीमॉर्गन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज बोलते हैं। तो हमको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज जो मिला है दैट इज 20% मिला है, मतलब जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज सेंटीमॉर्गन में जो मिल रहा है दैट इज 20 सेंटीमॉर्गन आ रहा है ना। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अपन 20 सेंटीमॉर्गन बोलते हैं, या उसी को अपन मैप यूनिट बोलते हैं। तो अपन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 20% निकाल ले चुके हैं, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा या इसका जो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, दैट इज 20 यूनिट्स। ओके, क्योंकि 20 सेंटीमॉर्गन है, ओके, मतलब 20 यूनिट्स है, मैप यूनिट है, ओके, और 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, 20% क्या है या 20 सेंटीमॉर्गन है या फिर 20 मैप यूनिट है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है मैप यूनिट क्या है, तो यहाँ पे 20 मैप यूनिट इसका सॉल्यूशन मिला है, आंसर मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इज दिस वन। ओके, इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू।